इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबरी आसाम। जय जिनेन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनबाड़ी चैनल पर। दर्शकों, असम प्रांत के धुबरी जिले की पुण्यधरा नुनिया पट्टी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की मंगल आशीष एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महामुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में 28 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक चले इस महानुष्ठान को हम दो कड़ियों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो वहीं आज की प्रथम कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कार्यक्रम में 28 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर सानंद संपन्न हुए इस महानुष्ठान के मंगलमय दृश्यों का। परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीष एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर असम प्रांत के धुबरी जिले की पुण्य धरा नुनिया पट्टी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 27 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक चले इस महाअनुष्ठान की प्रतिदिन की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ वेदी पर विराजमान श्याम वर्णीय पार्श्वनाथ भगवान एवं पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी के जलाभिषेक से हुआ। पुण्यशाली भक्तों ने बीजाक्षर मंत्रों के मध्य जिनेन्द्र भगवान के मस्तक पर प्रासुक जल के कलश ढुराकर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। धुल जाए पाप हमारा, हो श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा। धुल जाए पाप हमारा, श्री जी अनंत गुण वाले, ये परम शुद्ध तन वाले, श्री जी अनंत गुण वाले, ये परम शुद्ध तन वाले। जलाभिषेक के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महामुनिराज के मुखारबिंद से उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य जिनेन्द्र भगवान की शांति धारा कर समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना भाई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मम अहं सं तं पं बं बं मं मम अहं अहं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रवे ओं नमते भगवते श्रीमते। ओं ह्रीं क्लौं मम पापं खंड खंड जय जय दे देह पच पच पाचे पाचे ओं नमो अर्यस झं बं ह्वा पहा हा छां छीं छूं छीं छैं छूं छौं छं छः छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं। प्रभु की शांति धारा के बाद पुण्यशाली भक्तों ने प्रभु सेवा में छत्र एवं चवर स्थापित कर उनके श्री चरणों में शुभ द्रव्यों के अर्घ्य समर्पित किए और फिर भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती उतारी। ओम श्री चतुष्टय चामर प्रति हर्ज 24 तीर्थंकराय नमो नमः चामर स्थापयामि करोमि। आचार्य श्री 100 विद्या सागर समस्त आचार्य संघ चरण कमलों में अर्घम निर्पामति स्व। ओम रिंग श्री जिनमुखतव्य सरस्वती दिव्यम अर्घम निर्पामति। ओम रिंग श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अनुप्राप्त अर्घम निर्पामति। मंगल आरती के बाद भक्तों ने मंदिर जी में विराजमान भगवान पार्श्व प्रभु के चरणों में उपस्थित हो अनुष्ठान के निर्विघ्न सानंद संपन्न होने की करबद्ध प्रार्थना कर जिन आज्ञा के अर्घ्य समर्पित किए। ओम ऋज्ञा हितार्थम श्री पार्श्वनाथ मूल नायक वेदी सामग्री संपूर्ण 24 जने जिनेन्द्र सामग्री अनर्पण प्राप्त अर्घम निर्पामति। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने विधान के प्रथम दिन जहां परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महामुनिराज से महा अनुष्ठान में अपना पावन सानिध्य प्रदान करने की याचना की,
साथ ही प्रतिदिन पूजन से पूर्व गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। आपके चरणों में सिरफल भेंट करते हुए आपसे निवेदन करते हैं, इस मांगलिक कार्यक्रम में, समस्त कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रहे और हम सानंद विधान को संपन्न कर सके। ओम रिम परम पूज मन श्री 108 अर्ज सागर महामुनिराज के चरणों में अनार्घ पद प्राप्त जलार्घम प्राप्ति सा। ओम राम नमो लेशम मुनि श्री 108 अरिजि सागर मुनि अरिघम निर्विभावीति। ओम राम नमो लेशम सावणम परम पूज मुनिवर श्री 108 अर्ज सागर महाराज के पावन चरणों में अनर्घ पद प्राप्ति जलार्घम निर्वपामेत स्वाहा। अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित किए गए इस महाअनुष्ठान में प्रथम दिन बैंड बाजों के साथ भव्य घटी यात्रा निकाली गई। घट यात्रा के बाद पुण्यशाली भक्त परिवार ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में पूजन अर्चन कर कार्यक्रम स्थल पर धर्म ध्वजा फहराई, साथ ही सभी ने ध्वज परिक्रमा भी लगाई। ध्वजारोहण के बाद जहां श्रेष्ठी परिवार ने फीता खोलकर विधान के मंडल को अनावृत किया, तो वहीं श्राविकाओं ने घट के जल से मंडल का शुद्धिकरण किया। साथ ही देवगणों ने शुद्धि के साथ अर्घ्य समर्पित कर मंडल की प्रतिष्ठा की। ओम ह्रीं चतुर्निकाय देवे अथायुग स्थाने तिष्ठ तीक्ष्ण विघ्न निवार्यत विधि मान कर्मणि संयोगम कुरुत कुरुत पुष्पांजलि छिपामि। ओम ह्रीं मेघ कुमार गण मेघ कुमार देवगणा यथा स्थाने तिष्ठित मेघकृत विघ्न निवारयत् विधि कर्मणि संयोगम कुरुत कुरुत मंडल सिद्धिम करोमि स्वाहा। अग्रिम कड़ी में श्रेष्ठियों ने विधान मंडल पर मंगल कलशों को स्थापित कर अखंड दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात सभी सहभागी श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य सकलीकरण एवं इंद्र प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। रूम रोम रा पुष्पांजलि छिपामि। ओम अस्य उसनम ललाटम रक्ष रक्ष स्वाहा। तक शिखा ग्रीवा कान हृदय दोनों भुजाएं विघ्न निवारण राय माम रक्ष रक्ष हूं भट स्वाहा। ओम राण अवलो सब साणो विराज सब जदा समागत आगत विघ्न निवारण राय माम रक्ष रक्ष हूं भट। इस दौरान आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा श्रेष्ठियों एवं विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। इसके बाद पात्र बने इंद्र इंद्राणियों सहित सभी सहभागी भक्तों ने प्रतिदिन मधुर भक्ति संगीत के सुरमयी वातावरण में पूजन की नैमित्तिक क्रियाएं संपन्न की, साथ ही भक्ति नृत्य के माध्यम से प्रभु के समक्ष अपने भक्ति भाव प्रकट किए। ओम री नंदी संबंधी दिव्य जला जान जलपितेभ्यो मोक्ष प्राप्ताय फलम नृपामति स्वाहा। ओम री भगवतो गर्जुन तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो सत्याभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ते जलार्घम निर्वपामेत।
ओम रीम विद्यक प्रतिज्ञानाय जिन पद्माग्रे पुष्पांजलिम जपेत। ओम रीम विद्यक प्रतिज्ञानाय जिन पद्माग्रे पुष्पांजलिम जपेत। रंग मारे आज प्रभु जी के गयोरे, पूजन के अगले क्रम में भक्तों ने देव शास्त्र गुरु को ध्याते हुए नित्य में पूजन की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। ओम रीम आ आ इ इ उ उ रि रि लि लि ए यु व महा नाद प्रकरण सिद्धाधिपते ना पूर्ति से अनुप्राप्त अर्घम निर्वामति स्वाहा। ओम रीम अरे सिद्धाचार्य उपाध्याय सुर साधु हिंदर्म जनागम जंच चतल भ्यो जन्म जरा मृत विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा। ओम रीम जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते महार्घम निर्वपामित स्वाहा। पूजन के मध्य में भक्तों को प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य मुनि श्री अरिजित सागर जी महाराज ने धर्म ग्रंथों विरचित जिन आज्ञा का उल्लेख करते हुए भक्तों को धर्म मर्म के महात्म्य बतलाए। सुपात को दान देने से, भगवान की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस बात को आज आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी गाथा में कह रहे हैं। उत्तम सुपात्र दानम, सुपात को दान देता है भोग भूमि स्वर्ग, भोग भूमि के अथवा स्वर्ग के भोति प्राप्त होता है क्रमशः और फिर निर्वाण स्वम, वहाँ के भोग को भोगता हुआ निर्वाण स्वम निर्वाण के सुख को प्राप्त करता है। तो मंदिर में प्रवेश करने से समाज का बोध होता है, कितनी अच्छी समाज है, देखो कितने बड़े हॉल में, कितने बड़े स्थान पर, कितने अच्छे से उच्च साधन भगवान को विराजमान किया है, इस समझ में आता कि यहाँ की समाज के हृदय बसाल है। मंगल देशना श्रवण करने के उपरांत भक्तों ने गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य विधान की स्थापना की। ओम ऋणव सिद्धां सिद्धाक्षि चक्रपते अत्र अंतर अंतर समुषडामायन। ओम ऋणव सिद्धनाथ प्रकाश चक्राय काम बणधाय पुष्प निर्पामति। ओम ऋणव सिद्धाण अनाथ प्रकाश चक्र अंतराय मोहन काम नहना दीप निर्पामति। ओम ऋण यार अलावा अनाथ प्रकाश सिद्धाधिपति तदिशि अर्घम निर्पामति। ओम ऋणव सिद्धाण श्री सिद्ध प्रश्ने अत्र अब्दर समूषण रामायणम अत्र तिष्ठे टाडाय स्थापनम। इसके बाद इंद्र बने सौभाग्यशाली पात्रों ने पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य विधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधान मंडल पर जल फलादि के अर्घ्य समर्पित कर सिद्धों की आराधना की। ओम रे अभेदगत गुण सुक्त सिद्ध परिणय अनर प्राप्त अर्घम निर्पामते। ओम रे नमो सिद्धाय नमः अनर प्राप्ताय अर्घम निर्पामते। ओम ऋणवो सिद्धां सिद्धपरिष्णे अष्ट विंशत्यादि गुण संयुक्त अद्रब्द दिव्यो नमः अनर्पद प्राप्ताय पूर्णार्घव निर्वामते। विधान पूजन के उपरांत प्रतिदिन सांध्य काल में भगवान की मंगल आरती की गई, जिसमें पुण्यशाली भक्तों ने हाथों में दीपों से सुसज्जित थाल लेकर बड़े ही भक्ति भाव से प्रभु मंगल आरती की और साथ ही कर्णप्रिय धुनों पर नाचते झूमते प्रभु भक्ति में मग्न हो सभी ने भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। We'll be right back.
बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे। आरती की अग्रिम कड़ी में श्रद्धालुओं ने श्री सिद्ध चक्र देव की भव्य मंगल आरती कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। शरीर शोचिणु महेश सुरेश गणेश तुम्हें ध्यावे, देवा गणेश तुम्हें ध्यावे। अगले क्रम में भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ पूज्य गुरु महाराज की भव्य संगीत में आरती कर पुण्यार्जन किया। गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए, हम वंदन करने आए। ना है कोई तिरछी नजर से ना देखे लाल तेरा बड़ा सलोना है। ओ जैसे अखियों में ओ जैसे कोई जादू टोना, मंगल आरती के पश्चात प्रतिदिन सभी ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ रमोकार चालीसा एवं रमोकार मंत्र का संगीत में पाठ किया। देखो एक सुबह में जाता उसने मन में इसे जपाता, देव मार नहीं पाया उसको तब चल युक्ति बताई रब को। उसके चंगुल में फंस करके लिखा मंत्र राजा ने जल में, यूं ही उस पर कदम रख दिया देव की शक्ति प्रकट कर दिया। अरि हंताणम नमो से रमोकार मंत्र पाठ के उपरांत शास्त्र वाचन के अंतर्गत भक्तों को प्रतिदिन सांध्य काल में पुनः एक बार पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए कह रहे हैं कि इस मनुष्य गति में आने के बाद भी मैंने सोचा कि चलो त्रिंश गति में दुख है, नरक गति में दुख है, तो मनुष्य गति में तो सुख होगा, लेकिन जननी उदर बस्यो न मास। 9 महीने तक जो संतान पेट में रहती है, कोई आपके हाथ पैर बांध दे, हाथ पैर बांध दे और कहे कि बस एक स्थान पर आपको बैठे रहना है, ना पैर फैलाना है ना हाथ फैलाना है, कितनी पीड़ा होगी। संकुचित करके हाथ पैरों को बांध के भी आपके हाथ पैर क्या खोल भी दी जाए, कह दी जाए बस जैसे खड़े हो या जैसे लेटे हो बस लेटे रहना, सीधे लेटे हो तो सीधे लेट रहना, करवड़ से लेटे हो तो बस करवड़ से लेटे रहना, उल्टे हो तो उल्टे लेट रहना, मतलब आपको हिलना डुलना नहीं है। दर्शकों आप अभी देख रहे थे असम प्रांत के धुबड़ी जिले की पुण्य धरा नुनिया पट्टी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ की अनुपम झलकियां। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीष एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महामुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में 28 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक चले इस कल्याणकारी महानुष्ठान में आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय पर फिर भेंटोगे आपसे कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी आसाम।